राधे राधे दोस्तों 16 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाने वाले हैं, जो कि उनकी शत्रु राशि है। मंगल का परिवर्तन जब भी होता है तब आपके साहस और बल में वृद्धि होने लगती है। वहीं कुछ राशियों के लिए ये परिवर्तन हानिकारक भी होता है। चोट चपेट की दुर्घटनाएँ, धन हानि, ये सारी समस्याएं आपके जीवन में या दुर्घटना या लड़ाई झगड़े इनको बढ़ाता है। तो मंगल का परिवर्तन का विशेष फायदा आपको मिलेगा या आपको नुकसान होगा, इसके बारे में आज मैं आपको राशिवार नहीं बताऊंगी। जिन राशियों को परेशानी होने वाली केवल उनके बारे में बताने वाली हूँ, बाकी का मैं उपाय सभी की राशियों के लिए बताने वाली हूँ। तो विशेष आपको क्या एक महीने के लिए इन उपायों को करना चाहिए विशेष रूप से, इसे जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना होगा। इसके साथ ही डेली के अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉज अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे इन वीडियोज़ को सराहने के लिए, इन्हें अपनी पसंद बनाने के लिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं जो डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, इसमें ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है ना लग्न। इन प्रयोगों किसी भी राशि, किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी भाषा से बिलोंग करने वाले व्यक्ति, चाहे वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, सभी कोई करके शुभता प्राप्त कर सकता है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। दोस्तों, हमारा मन जो कि छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तनाव लेने लगता है, हर छोटी बात से घबराने लगता है। 50% हमारे जीवन में जो दिन भर में जो रोल अदा करता है वो चंद्रमा है, तो क्यों ना इस चंद्रमा को अपना ऐसा कर लिया जाए, बलि कर लिया जाए, जिससे कि निगेटिविटी हमारे ऊपर हावी ना हो, हर दिन हमारे लिए लकी हो, हर दिन हमारे लिए बेहतर हो, हर दिन हमें समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग मिलते रहे। तो इसलिए आपको इनको ज़रूर करना चाहिए। 12 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार, आज का राहु काल है 12:07 से 1:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको एक हरी इलायची को थोड़ी सी मिश्री के साथ में, चाहे तो गणपति गजानन भगवान को अर्पित कीजिए या ऐसे ही आप भोग स्वरूप इसको खा सकते हैं। आज का जो जादुई अक्षर है हनुमान वाला हा, इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मंगल राशि परिवर्तन, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक है, भूमि भवन वाहन के कारक है, आपके दाम्पत्य जीवन में भी जो आपका सामंजस्य बढ़ता है वो मंगल की वजह से ही बढ़ता है, आपका विवाह भी मंगल की वजह से ही होता है। जो व्यक्ति के अंदर मंगल की ऊर्जा अधिक होती है तो उनको थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा आता है, या जिनके अंदर मंगल कमज़ोर होता है उनके अंदर धैर्य की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है। तो ये मंगल आपके अंदर एक एनर्जी लाते हैं, भूमि भवन वाहन सभी का सुख दिलाते हैं आपको, साथ में ही आपके अंदर एक वो जो एक अदम्य साहस होता है कि व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है, उसकी क्षमता आपको मंगल ही देते हैं। आपकी कुंडली में जब भी मंगल निर्बल होता है, आपके अंदर आपको हर काम को डिले करना, हर काम को हो जाएगा, आज नहीं कल पे टालने की आदत पड़ जाती है, या आपको रक्त विकार होने लगते हैं, या आपके लिए छोटी छोटी बातों पर आपको टेंशन होने लगती है, आप हड़बड़ाने लगते हैं, हर काम को करने के लिए अधीरता, अभी करना है, इसी समय करना है, धैर्य की कमी होती है मंगल के प्रभाव से व्यक्तियों के अंदर। दोस्तों, ये मंगल परिवर्तन करने जा रहा है बुध की राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है। हालांकि ये तृतीय भाव में, काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में
मंगल का होना ये एक पराक्रम में वृद्धि करता है, साथ में आपको सारे सुख दिलाता है, क्योंकि इसकी जो सातवीं दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ रही होती है और इसकी जो नवी दृष्टि है वो आपके कर्म लाभ भाव पर पड़ रही होती है, जिसकी वजह से आपको लाभ के रास्ते भी आपके खुल रहे होते हैं। लेकिन कुछ राशियों को इस मंगल के परिवर्तन से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है, धैर्य की कमी हो जाती है, आप बहुत अधिक जल्दबाज बन जाते हैं, जल्दी जल्दी हर कार्य को करना, पत्नी के ऊपर गुस्सा निकालना, बच्चों पर गुस्सा निकालना, या आपको जब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप बेवजह ही परेशान होना शुरू कर देते हैं, जिसमें विशेष रूप से आपको धनु राशि के व्यक्तियों को, साथ में आपको वृश्चिक राशि है, इन दो राशियों के लिए तो विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में तकरार और साथ में अष्टम से प्रभाव बनाने से चोट चपेट की दुर्घटनाओं का आपके लिए प्रभाव बढ़ सकता है, तो थोड़ा आपको सावधान रहने की विशेष आवश्यकता है। ये दो राशि वाले विशेष रूप से अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी, अपने खान पान का भी। ऐसे तो सभी राशियों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि होती है, मंगल की सप्तम अष्टम दृष्टि होती है, लग्न पर भी मंगल होता है, बारहवें भी मंगल होता है, तो कहने का तात्पर्य सभी को ध्यान विशेष रूप से रखना ही चाहिए। क्या करना है आपको, इन एक महीने में आपको हनुमान जी की आराधना जरूर करनी है, हनुमान जी की, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड कर सकते हैं, हर मंगलवार तो सुंदरकांड का पाठ करिए, या आप किसी मंदिर में जाकर हर हफ्ता यानी सात दिन में हर मंगलवार मंगलवार आप चोला चढ़ाकर भी आ सकते हैं, इससे भी आपके मंगल को बल मिलता है। साथ में आपको एक कलावा लेना है, काफ़ी लंबा लीजिएगा, जिससे कि आपकी कलाई पर वो आठ नहीं नौ बार लपेटा जाए, नौ बार लपेटने के बाद गांठ लग जाए, इस तरह से मोटा कलावा लेना है आपको, इस तरह से इसमें हनुमान चालीसा पढ़ती हुई आपको नौ गांठें लगानी है, नौ गांठें लगाने के बाद इसको हनुमान चालीसा आपने पूरी कर ली, नौ गांठें लगा ली, इसके बाद राम राम नाम की माला करते जाइए, और इसको महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड में और पुरुष हैं तो राइट हैंड में, पुरुष राइट हैंड में बांधेंगे, महिलाएं लेफ्ट हैंड में बांधेंगी, और इसको आठ चक्कर लगाकर नवे चक्कर पर इसमें गांठ लगा लीजिए, ये आपकी सुरक्षा करेगा हर तरह से। इसके साथ ही शहद का सेवन करिए, एक चम्मच शहद सुबह खाली पेट खाइए, दो पत्ते तुलसी के पानी के साथ में निगलना शुरू करिए, इससे बुध का और जो मंगल का प्रभाव है वो आपके ऊपर नेगेटिव ना पड़े। इस समय आपको स्किन एलर्जी भी हो सकती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव जब लग्न से बनने लगता है, आपके जीवन पर आने लगता है, तो ये स्किन एलर्जी आपकी बढ़ा देता है। स्किन एलर्जी आपकी ना बढ़े इसके लिए आपको थोड़ा सा शहद अपने चेहरे पर लगाते रहिए, बहुत अधिक हार्श ना तो फेस वॉश का ना ही साबुन का अपने चेहरे पर इस्तेमाल कीजिए। एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल में दो बूंद नींबू का डालिए, चेहरे पर मास्क की तरह लगाइए और फिर सादा पानी से धो दीजिए, बस इतना ही करने की आवश्यकता है, और विशेष उपाय आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की आराधना, साथ में ही शनिवार वाले दिन भी आप हनुमान जी के दर्शन करके आइए, आप हनुमान चालीसा नहीं कर पाते हैं तो नित्य आप हनुमान जी के दर्शन करके भी आ सकते हैं, ये भी आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके साथ ही राम राम नाम की एक माला, जब भी आप हनुमान जी की आराधना करें तो राम राम नाम की माला एक बार आपको जरूर करनी चाहिए, चाहे पहले चाहे बाद में, क्योंकि हनुमान जी राम नाम से सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो राम राम नाम की एक माला कीजिए, और हो सके आपको जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो आप दिन के समय में करिए, जैसे तीन चार बजे के बाद करिए और शाम तक करिए, नौ बजे तक आप इस पाठ को कर सकते हैं, और सुन आप सकते हैं मोबाइल पर चलाकर सुन लीजिए, मोबाइल पर आराम से आप चलाकर सुन सकते हैं, इससे आपके मंगल को जो भी पीड़ाएं मंगल दे रहे होंगे वो शांत होंगे। शनिवार वाले दिन भी विशेष रूप से आप आराधना हनुमान जी की जरूर कीजिए, क्योंकि शनि जो भी पीड़ाएं पहुंचाते हैं वो हनुमान जी उस पीड़ा को शांत कर देते हैं। एक विशेष आपको उपाय देने जा रही हूँ, जिन्हें बहुत अधिक भय लगता है या डर लग रहा है, या उनके मन में ये स्थिति पैदा हो गई है कि मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ होने वाला है, तब आप क्या करेंगे, आप 11 दिन लगातार हनुमान जी के सामने तिल तेल का दीपक जलाएंगे, दो लौंग डालकर 11 दिन लगातार हनुमान जी के सामने दो लौंग डालकर तिल तेल का दीपक जलाइए। 12वें दिन इस दीपक को पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको नियमित 11 दिन लगातार हनुमान चालीसा और साथ में एक माला राम राम नाम की माला का जाप करना है। कैसा भी भय, कैसा भी डर आपके जीवन में चल रहा है, मंगल किसी भी तरह का आपको परेशानी देने वाला है, वो सभी कुछ आपका शांत हो जाएगा।
अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो स्प्रे को करेंगे व्हाइट कलर के पेपर पर, रेड कलर से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, करवा चौथ के ऊपर मैं विशेष वीडियो दे रही हूँ आपको, लगातार ही दिए हैं मेरे, कल के लिए भी वीडियो है, मैंने कलर वाली बिंदी कैसे लगानी है वो भी आपको बताया है, क्या विशेष उपाय करने हैं पति की तरक्की के लिए, तो प्लीज़ आपको नहीं मिले हैं तो मैं आई बटन में लगा दूंगी, उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, वर्ष भर आपको आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510, इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। कमेंट के माध्यम से कुछ भी जानना चाहते तो कमेंट में लिखते रहिए दोस्तों, अभी थोड़ा कमेंट सेक्शन व्यस्तता की वजह से बंद किया हुआ है। आप मुझे बताइए, क्या मैं नियमित एक क्वेश्चन आप लोगों का लेना शुरू करूं, जो आप डेट ऑफ बर्थ और टाइम से डालना शुरू करते हैं, या जैसे मैं पहले 5 लेती थी उसी तरह से लूं? आप जैसा सजेस्ट करेंगे मैं वैसा ही शुरू कर दूंगी, क्योंकि इससे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, किसी का भला हो जाए, मैं यही चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मुझसे जितना भला हो सके आपका हो जाए। तो नियमित अगर मैं एक कुंडली ले लूं और आपके जो क्वेश्चन आप मुझे नियमित देते हैं उनमें से जो मुझे क्वेश्चन लग रहा है आपको इनका आंसर देना है उनका आंसर दे दूं, या संडे वाले दिन जैसे मैं पहले लेती थी 5 क्वेश्चन एक साथ लेती थी 5, उस तरह से लूँ, जैसा आप मुझे सजेस्ट करें, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस करवा चौथ सभी महिलाओं के लिए, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हों, उनके जीवन में बहार आ जाए, दाम्पत्य जीवन फिर से हरा भरा हो जाए, ऐसी आप सभी के लिए कामना करती हूँ। धन्यवाद।